तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं सोलापुर के सांगे पेट शॉप में। तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बर्ड्स है, फिशेज है, कैट्स है, डॉग्स है। देखते हैं अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड विजिट है, फर्स्ट विजिट में तो कैजुअली शॉप देख के गया था। तो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डांगे पेट शॉप। तो यहाँ पर आपको फिश मिलेंगे, डॉग मिलेंगे, कैट मिलेंगे, सभी टाइप के आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत ही अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे शॉप में। तो फ्रेंड्स आज अपने साथ है अली भाई, तो ये शॉप के ओनर है। तो चलिए उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अली भाई पहले बताइए अपना शॉप कहाँ पे है? अपने शॉप का एड्रेस है प्लॉट नंबर 1 लता देवी नगर, स्वागत नगर रोड, लाइट ऑफिस के बाजू में, कुमटाना का 16। ओके, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए। 9765591498। ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है नंबर। ओके सर, अभी आपके पास बहुत सारी वैरायटी के मेरे को बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज आप पहला बर्ड कौन सा दिखाने वाले हो हमको? सर आप जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं, ये है ग्रे कॉकटेल। ओके, ग्रे कॉकटेल में एक पट्टा है और एक मेल फीमेल का पेयर है पास। अभी ये मेल फीमेल है सर? हाँ, एक मेल फीमेल और एक पट्टा है, पट्टा मतलब बच्चा है। ओके, नेक्स्ट बर्ड कौन सा दिखाने वाले सर? नेक्स्ट बर्ड है कॉमन बजीज। तो यहाँ पर कॉमन बजीज है देख सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है सर जी? नेक्स्ट वैरायटी है कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस, इसमें मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है। ओके, ये ज़ेब्रा फिंचेस है। हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस देखने को मिल जाएंगे और ये ब्रीडिंग पेयर से है, मेल फीमेल दोनों भी मिल जाएंगे आपको। तो ये पंछी जब कूदते हैं ना तो बहुत मस्त दिखते हैं हॉपिंग करते समय। सर नेक्स्ट कौन सा बर्ड दिखाने वाले हो? नेक्स्ट वैरायटी है पाइनएप्पल कोन्योर में ब्रीडिंग पेयर है, 3 साल का ब्रीडिंग पेयर है, डीएनए अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप शॉप पे विजिट करके देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स शॉप पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा आप, बहुत बेहतरीन यहाँ पर बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं मेरे को। तो इनका डीएनए भी हो चुका है। नेक्स्ट बर्ड कौन सा दिखाने वाले सर? नेक्स्ट वैरायटी है ओपलाइन फिशर और ओपलाइन वॉलेट फिशर। तो ये मेल फीमेल है सर? इसमें जो वॉलेट माउथ जो है वो एक सिंगल मेल है। ओके, और ग्रीन ओपलाइन की दोनों फीमेल है विद डीएनए है, लेकिन अभी तीनों भी बुकिंग वाले हैं। ओके, अगर आपको चाहिए तो ऑन डिमांड मिल जाएगा। ओके, तो सर अगर किसी को कोई बर्ड्स चाहिए होगा तो बुकिंग करके भी मंगवा सकते हो आप जो चाहिए हो आपको। फिंके से लेकर माताओं तक जो भी बर्ड चाहिए, जो भी बर्ड रिक्वायरमेंट है सब बर्ड मिल जाएंगे आपको। हैंड फीडिंग चाहिए तो हैंड फीडिंग मिल जाएगा, सेमी टेम चाहिए तो सेमी टेम, फुल टेम चाहिए तो फुल टेम, सेमी एडल्ट, अडल्ट ब्रीडिंग पेयर और दोनों मेल फीमेल चाहिए तो मेल फीमेल मिल जाएगी, या सिंगल मेल या सिंगल फीमेल चाहिए तो मिल जाएगा। अगर आपको कम बजट में चाहिए, सिर्फ शौक से पालना है, आपको ब्रीडिंग नहीं करवानी है, तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं, कंडम बच्चे ले सकते हैं। कंडम बच्चे यानी कि वो बच्चे जो जिसके पंख में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो अपंग होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, आप वो बर्ड्स लेकर कम रेट में पाल सकते हैं, आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप उससे आगे ब्रीड नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आप उसे आगे ब्रीड करवाएंगे तो एक तो ब्रीडिंग होगा नहीं, अगर होगा भी तो लेकिन जो हैंडीकैप फादर होगा या फिर मदर होगी उसका जो जीन है आगे फॉरवर्ड होगा और आगे की पूरी ब्लड लाइन खराब होने का चांस होता है। ओके, तो ब्रीड मत करवाइएगा, लेकिन आप शौक से पाल सकते हैं और आपको इसका प्राइस भी कम रेट में मिल जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट बर्ड कौन सा सर अपना? तो दोस्तों ये रेनबो बजीज पेयर है और ये ब्रीडिंग पेयर है कम्प्लीटली। तो देख सकते हो आप कितना एक्टिव है। नेक्स्ट बर्ड कौन सा है सर? नेक्स्ट बर्ड है
लुटिनो कॉकटेल का मेल और अल्बिनो कॉकटेल की फीमेल, इनका पेयर लगाया हुआ है ऑलरेडी, क्लच छूट चुके मेरे पास। और दोनों का रिजल्ट जो है 90% तो फादर पे जाते हैं, यानी कि स्प्लिट बच्चे निकलते हैं जो कि लुटिनो होते हैं, और 10% मदर पे जाते हैं, यानी कि अल्बिनो निकलते हैं बच्चे जो विजुअल होते हैं। अगर आप जो स्प्लिट निकलते हैं उनको अगर विजुअल के साथ लगाएंगे या फिर स्प्लिट के साथ लगाएंगे तो आपको आगे की ब्लड लाइन जो है वो भी अल्बिनो की मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अल्बिनो देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत है सर। और ये कौन सा वर्ड बोले? लुटिनो, लुटिनो कोकाटेल। तो फ्रेंड्स ये लुटिनो कोकाटेल है और सर ने आपको जानकारी तो दे दी है। सर नेक्स्ट बर्ड कौन सा दिखाने वाले हो? नेक्स्ट कोकेटेल में वैरायटी है लुटिनो की फीमेल और फॉन पाइड का मेल। फॉन पाइड आप उसको एमराल्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है मेल का, तो एमराल्ड की कैटेगरी में आता है लेकिन एमराल्ड प्रॉपर नहीं है। तो फॉन पाइड का मेल और जो है लुटिनो की फीमेल, ये एक पेयर मेरे पास अवेलेबल है। ये भी 2-2.5 साल के आसपास का पेयर है, मेरे पास 3+ दे चुका है, लुटिनो के बच्चे ज़्यादा करता है। तो फ्रेंड्स ये 2.5 साल के देख सकते हो आप, सर नेक्स्ट बर्ड कौन सा है? नेक्स्ट बर्ड है अफ्रीकन लो बर्ड में ब्लू मास्क है। ब्लू मास्क ये जो फीचर वैरायटी है ये भी प्रोमिनेंट कलर ब्लू कलर शो करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें दूसरी और एक वैरायटी है अफ्रीकन लो बर्ड में, इसमें जो है मेल जो है वाइट मास्क का है और फीमेल जो है वो वाइट बुल की है, तो ये भी ब्रीडिंग पेयर है और ये रेडी टू ब्रीड पेयर है। ये ब्रीडिंग पेयर नहीं है, अभी तक तो इसका क्लच मैंने नहीं लिया है, लेकिन इसका क्लच मैंने लिया है तो ये गारंटीड ब्रीडिंग पेयर। ओके, नेक्स्ट वर्ड कौन सा सर? नेक्स्ट वर्ड है सनकोनर। सनकोनर जो है कि मेरे पास रेड फैक्टर में एक फीमेल अवेलेबल है और एक मेल फीमेल का पेयर अवेलेबल है। ओके, ये दो वैरायटी में बस अवेलेबल है अभी सनकोनर में, और हैंड फीडिंग चिक्स भी है जो कि मशीन में हम आगे दिखाएंगे आपको। ओके, ये तो दोस्तों ये फुल्ली टेम्ड है, फीमेल है और DNA भी हो चुका है। तो ये बर्ड का एज जो है 1 साल का है। सर उनके पैर में जो रिंग है वो DNA का ही है क्या? कैसे ये डाला हुआ है? वो हम जब जहाँ पे ब्रीड होता है ना, जो ब्रीडिंग करने वाले पर्सन होते हैं उनका उसका नाम का एक सिंबल होता है। ओके, और उसपे एक ID यूनिक नंबर होता है जो कि DNA में काम आता है। अभी अपने फार्म का ये बर्ड है इसलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो DPSAVERY लिखा हुआ है। अच्छा, आप ऐसे दिखा सकते हो DPSAVERY? यस, DPS तो दिख रहा है। और यहाँ पर जो है मेल फीमेल है? हाँ, मेल फीमेल है। इसमें जो मेल है वो वाली फीमेल का भाई है और फीमेल जो है वो मैंने फ्रेंड के पास से मंगाई। ओके, ये वाला मेल है जो सामने आया, मैंगो आ जा। ये भी हैंड टेम्ड है सर? हाँ, दोनों पे हैंड टेम्ड है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितने प्यार से हाथ पे आ गया है, हैंड टेम्ड है, थोड़ा सा प्यार भी कर रहा है उंगलियों को। सर जी इनको क्या क्या खिलाते हो? इनको फ्रूट्स, वेजीज, सीड मिक्स और जब छोटे केज में होते हैं सिर्फ राइस। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर छोटे केज में अगर मैं सब दूंगा तो फैट पकड़ेगा। अच्छा, मैंगो। नेक्स्ट वर्ड कौन सा सर? नेक्स्ट है कोकाटेल में और पैट्रिक वैरायटी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है अल्बिनो, चारकोल, फिर फॉन पर्ल
और फाइव, ये चार वैरायटी में भी पैकेज अवेलेबल है। इसके साथ में मैंने पैच वाले भी रखे हुए हैं, लेकिन बाकी पैचलेस है। और पैच वाले में भी आपको वहाँ पे शीशे वाला दिख रहा होगा पर्ल, तो वो भी अवेलेबल है। और इसमें दूसरे पैचलेस सेमी हैंडटेप में अगर आप बोल सकते हो तो दो कॉर्न के पीस है, इसमें एक मेल एक फीमेल है, एक अल्बिनो है, ये स्प्लिट बटरफ्लाई है। तो इसका प्राइस थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगा अदर बर्ड से, लेकिन ये नॉट फॉर सेल है फिलहाल तो, क्योंकि बुकिंग हो चुका है ऑलरेडी। ओके। और ये लुटिनो है, ये भी सेमी हैंडटेम है। नेक्स्ट बर्ड कौन सा सर? सर देखिए वैरायटी है सिनेमन कोजो। सिनेमन कोजो में चार पीस अवेलेबल है, विथ डीएनए है, एक मेल है और तीन फीमेल है इसके अंदर। और इनकी एज जो है अप्रॉक्स 16 महीने के आसपास है। 16 महीने के? हाँ। ओके। तो दोस्तों इसमें तीन फीमेल है और एक मेल है। नेक्स्ट बर्ड कौन सा सर? नेक्स्ट वैरायटी है जावा। जावा चारों में मेरे पास मेल फीमेल ब्रीडिंग कर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो क्वांटिटी में ले सकते हैं, या फिर एक दो पेयर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ओके। तो सर यहाँ पर जो है ये बर्ड का टेल जो है थोड़ा सा कट दिख रहा है, ऐसा क्यों है सर? सर अभी ये फर्स्ट टाइम मोल्ड करने वाले हैं, और ये जो कट होता है ये दूसरे बर्ड जो नया नया खाना सीखते हैं उसको च्यूइंग का आदत होता है, कुछ ना कुछ हमेशा चबाते रहेंगे। अच्छा। तो ये सब हैंडटेम के, इनको मैंने ज़्यादा सोशलाइज करने के लिए एक केज में रखा हुआ था, लेकिन बाद में इसको क्या आया, ये सबको च्यूइंग की आदत थी, तो एक दूसरे के जो टेल्स है उसको च्यू करना स्टार्ट कर दिए। और अभी वैसे भी मोल्टिंग होने वाला है, इसलिए मैंने फेवरेट नहीं किया। अभी ये मैं आपको जो आगे केज दिखाने वाला हूँ वो केज में जाने वाले हैं, फ्लाइंग केज, इनको प्रॉपर फ्लाइंग केज में छोड़ने वाला हूँ। ये वहाँ पे रहेंगे एक साल के आसपास तक, और बाद में उसके बाद अगर फेल हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तो ये वापस फील्ड पर लग जाएंगे मेरे पास। ओके। सर यार ग्रीन नेट भी दिख रहा है, लास्ट टाइम जब आया था तब नहीं था, और ये बल्ब वगैरह? सर एक्चुअल में आपको पता ही है अभी ठंडी कैसे बढ़ रही है सोलापुर में, तो जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आपको मैं एक दिखाता हूँ बर्ड, सर्दी हो जाती है बर्ड्स को। अच्छा, बर्ड्स को भी होते हैं सर्दी? हाँ, सर्दी बुखार खांसी वगैरह सब होता है बर्ड्स को। आपको एक दिखाता हूँ मैं। हाँ, अभी ये वाला आप जो कॉकटेल देखते हैं लुटेनो कॉकटेल, इसके नाक पे आप फोकस कीजिए, आपको नाक बहती हुई दिखाई देगी। ओके। मेरे को तो दिख रहा है सर जी, लेकिन कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, ऐसे एनवायरनमेंट में जो ऐसे माहौल के अंदर ठंडी के अंदर बर्ड्स को डायरिया हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, यहाँ तक की लूज मोशन लग सकता है, और ये जब एक्सेसिव अमाउंट में होता है तो आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए हमने जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बल्ब लगाए हुए हैं, और इसके हीट लॉस से बचने के लिए यहाँ पे ग्रीन शेड मारा हुआ है। ओके। तो आप अपने सेटअप पर भी ग्रीन शेड लगाइए, बल्ब लगाइए, जैसे भी आप हो सके अपनी बर्ड के टेम्परेचर को जो है कंट्रोल कीजिए। आपको ठंडी में आपका टेम्परेचर गर्म रखना है और गर्मी में ठंडा रखना है, यानी कि कॉन्स्टेंट डिग्री पर रखना है, कॉन्स्टेंट 30 डिग्री आपको सेट करके रखना है। कितना डिग्री बोले सर जी? 30 डिग्री तक, 30 डिग्री आगे टेम्परेचर। ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे जो बल्ब है अपने सेटअप पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सर ने एक और लगा के रखा हुआ है, तो इससे जो है टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है सेटअप पे। आपको डिफरेंस दिख रहा है नहीं सर? यस यस, अंदर अंदर थोड़ा सा गर्माहट है, बाहर थोड़ा ठंडा है। तो सर जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, तो जितना भी यहाँ पर है ना सर, मैक्स टू मैक्स DIY किया है, खुद से बनाया हुआ है। तो ये देखिए ना, बहुत दिल से खुशी हो रही है मेरे को। तो सर इतने सारे बर्ड्स देखने के बाद अभी आप हमको क्या दिखाने वाले हो? आपको यहाँ पे अभी हैंडसेटिंग फिक्स दिखाने वाला हूँ। सन कॉलर के दो है, एक रेड आइज पाइनएप्पल कॉलर है और एक ग्रीन फिक कॉलर का है। ओके। तो सर कौन से चिक से बोले आपने? यहाँ पे ये वाला जो है ग्रीन फिक कॉलर का चिक है। ओके।
और ये हैंड प्रिंट मांग रहा है इसलिए चिपका अच्छा मेरा। ओके तो चार बर्ड्स है क्या सर ये? हाँ ये चार बर्ड्स है, इसके अंदर ये दो सन को नुरके है, ये वाला और ये वाला। इनका एज कितना है सर अभी? अभी ये 35 डेज के आसपास है। 35 डेज? हाँ 25-35 डेज के आसपास है। ओके और ये वाला जो है एरेडाइज में पाइनएप्पल कोनूर है। ओके एरेडाइज जो है फर्स्ट टाइम निकला है आपके पास, अभी पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, नहीं लेकिन इसके आइज जो है रेड है। यस मेरे को तो दिख रहे। और ये सेटअप को क्या बोलते हैं सर जी? ये एक्चुअल में ब्रूडर टेक्निक को मैंने यूज करते हुए, ये मेरा खुद का DIY प्रोजेक्ट है। ओके मैंने लिया नहीं, ये मैं खुद बनाया है। क्या बात। यहाँ पे एक सेंसर जो है वो दो लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है और एक जो सेंसर है वो फैन को कंट्रोल करने का काम करता है। जब अपना टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर जाता है तो हीट लैम्प ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, अगर 30 पर आ जाता है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। क्या बात। और फैन भी सेम, अगर 31 के नीचे अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो फैन बंद हो जाएगा, और 33 के ऊपर अगर चला जाएगा तो फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सर जी अभी जो आपका ये वाला सेटअप देख रहा हूँ मैं, तो ये सेटअप को आप क्या कहते हो? इसको एवेरी है और ब्रीडिंग सेटअप कहा जाता है। एवेरी उसको कहा जाता है जहाँ पे आपके बर्ड फ्रीली फ्लाई कर सकते हैं, और ब्रीडिंग सेटअप उसको कहा जाता है जहाँ पे आपके बर्ड ब्रीड करते हैं, और कुछ कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइंग के लिए जगह भी ज़्यादा है और ब्रीडिंग के लिए बॉक्सेस वगैरह भी लगाए गए हैं। okay. तो इसको ब्रीडिंग प्लस एवेरी भी बोल सकते हैं। चलिए आप आपको अंदर दिखाता हूँ। ओके पहले केज में क्या रखा हुआ है सर जी? यहाँ पे कॉमन बजट के ब्रीडिंग पेयर है, यहाँ पे टोटल 50 पेयर है, 50 पेयर के लिए 50 हंडी होते हैं, लेकिन अभी मैं प्लस रुकाने वाला हूँ, ये नौ साल 1 साल से ब्रीड कर रहे हैं इसलिए मैं अभी प्लस रुकाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ हंडी निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट केज में क्या है सर जी? यहाँ पे है शो बजट, जो सबसे बड़े साइज में बजेज आते हैं होलैंड बजेज, उनके बाद में आते हैं शो बजेज, तो यहाँ पे मेरे पास शो बजेज के 10 पेयर अवेलेबल है ब्रीडिंग के, तो इनको भी अभी रेस्ट देने का स्टार्ट करने वाला हूँ, इनके जो हंडी है सब निकाल निकाल के रख रहा हूँ, तो यहाँ से अभी रेसिंग पीरियड चालू होने वाला है, अभी ये लास्ट क्लच चालू है इनका। ओके ओके नेक्स्ट वर्ड कौन सा है सर? यहाँ पे नॉर्दिक अफ्रीकन लोबर्ट्स के 10 पेयर है, इसमें एक्वा पाई लुटिनो रोजी सब मिक्स वराइटीज मेरे पास अवेलेबल है, ये 10 ब्रीडिंग पेयर है मेरे, अभी ये भी रेसिंग पेयर पर जाने वाले हैं जैसा कि वो जाने वाले हैं। ओके नेक्स्ट केज में क्या है सर? ये मेरा फ्लाइंग केज है, यहाँ पे मैं बर्ड्स को ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ फ्री फ्लाइट की। ओके फ्री फ्लाइट यानी कि इंडोर फ्री फ्लाइट की। अच्छा आउटडोर फ्री फ्लाइट का मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इंडोर फ्री फ्लाइट की ट्रेनिंग होती है, और कैट्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे उनका मीटिंग वगैरह होता है। अच्छा ओके नेक्स्ट क्या दिखाने वाले सर? यहाँ पे मेरा रेनबो का ब्रीडिंग पेयर है। ओके उसके पहले वाले क्लच के बच्चे हैं ये। ओके अभी जो रिसेंट क्लच के बच्चे हैं वो हंडी के अंदर आप देख सकते हैं मस्ती के अंदर, और जो पेयर है बाहर बैठा हुआ है। ओके नेक्स्ट कौन सा सर? यहाँ पे क्रिस्टेड बजिस का एक ब्रीडिंग पेयर है अल्बाइनो में। ओके अभी इनका क्लच हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्लच की तैयारी चालू है। अच्छा उसके नीचे क्या है सर? यहाँ पे ओगोरोंग बजीज है, जहाँ पे अपने सोलापुर में हेलीकॉप्टर बजीज भी इसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर बजीज। हाँ ओके तो वो इनके जो शोल्डर पे होता है फ्लावर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ राइट शोल्डर पे फ्लावर होता है, और इस टैंगल ब्लड लाइन में आए मैं बता दिया अवेलेबल। एक्सपर्ट कौन सा सर? उसके बाद है अफ्रीकन लोबर्ट्स में पार्ब्लू टर्कोइज का पेयर है और पार्ब्लू ओपलाइन का पेयर है, ये दोनों भी मैं जब लिया था तो बहुत ज़्यादा रेयर थे। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग के साथ इनको मैंने लिया था। ओके इनका एज कितना है सर? ये अभी कम से कम 3 साल के आसपास है। ओके अभी तक मैंने इनके 5 क्लच लिए हैं पार्ब्लू टर्कोइज के। ओके और पार्ब्लू ओपलाइन के 6 क्लच हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन ओपलाइन और ग्रीन ओपलाइन यूविंग का पेयर है, 2 पेयर है इसके अंदर, तो ये दोनों भी 3-3 साल पुराने हैं। नेक्स्ट बर्ड कौन सा है सर? अभी जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन चिप का एक ब्रीडिंग पेयर है,
एंट्री कोन्यूर का और येलो साइड कोन्यूर का एक ब्रीडिंग चेयर अवेलेबल है, दो चेयर वहाँ पे है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉकटेल में म्यूजिशन अवेलेबल जिसमें कि ही लुटिनो है, फिर बटरफ्लाई है, हेवी पायर है और फॉन में है और चारकोल है। ओके केज में क्या है सर? अभी यहाँ पे है जंबो साइज में अल्बिनो जावा, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा रेयर होती है क्योंकि अल्बिनो जावा तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन जो जंबो साइज है यानी कि जैसे कि अभी बजट में हो गया जंबो बजट, शो बजट जिसको बोलते हैं, तो वो साइज में ये जावा की वैरायटी है। ये शो जावा, जंबो जावा भी आप बोल सकते हैं। ये बहुत मतलब बड़े साइज में होते हैं। ये ब्लड लाइन मैंने लग बाई चांस मेरे को मिली है, लेकिन अगर ढूंढने जाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, में क्या है सर जी? यहाँ पे जो जिब्रा कॉमन फिंचेस आपने नीचे देखे थे ना, वो उनके पेरेंट्स है, ये भी ब्रीडिंग सेल है, पूरे अवेलेबल यहाँ पे। ओके, नॉट फॉर सेल है यहाँ पे। आप जो भी ब्रीडिंग सेटअप में देख रहे हैं, एवेरी में देख रहे हैं, ये कोई भी बर्ड सेल के लिए नहीं है। इनकी जो चिक्स निकलते हैं वो मैं सेल करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं ब्रीडिंग सेल में वगैरह सब अरेंज करके दे सकता हूँ। ओके, सर अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी ये सेकंड पार्ट है अपने एवेरी का, ये अभी तक मैंने किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है। अरे, फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ओके, सर जी अभी सेटअप में क्या क्या देखने को मिलेगा हमको? अभी आपने जो नीचे मैंगो कोको और ब्रूनो जो देखा है सनकोन, ये उनके पेरेंट्स है, ये मैंगो और कोको के पेरेंट्स है। और जो दूसरी मेरे फ्रेंड की बात की लाइन थी वो दिख रही है, लेकिन ये उसके ब्लड लाइन के बर्ड है ये भी। और यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, तीन पेयर मेरे पास अवेलेबल है अपने चार में। ये वाला जो पेयर है इसमें मेल जो है हाइपर रेड फैक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहे सर? ये वाले म्यूटेशन अफ्रीकन लोबर्ट्स में मेरे पास पेयर है, इसमें पार्क ब्लू है, क्रिमिनो है, ग्रीन ओपलाइन है, फिर यहाँ पे वाइल्ड मास्ट है, ये कॉमन बर्ड है, फिर पेस्टल ओपलाइन है, लुटिनो ओपलाइन है। अब ये सब ब्रिड पे है, बॉक्स में वगैरह होंगे। यहाँ पे एक वाइल्ड का पेयर है, यहाँ पे लुटिनो ओपलाइन वर्सेज लुटिनो का पेयर है, और नीचे वाला जो है उसके अंदर येलो बुल का एक पेयर है, फिर यहाँ पे अल्बिनो का पेयर है और यहाँ पे वाइट बुल का पेयर है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादा करके मेरे को बॉक्सेस में ही ऐसा है अंदर के। ओके, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, आ गया, आप देख सकते हो प्रोग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मेल फीमेल था, अभी फीमेल भी बाहर आई है और ये बच्चा एक बाहर आया हुआ है। ओके, और अंदर अंडे है चार। नेक्स्ट क्या क्या दिखाने वाले सर? अभी इनका जो लास्ट क्लास के जो बच्चे थे वो मैंने यहाँ पे हटे हैं। ओके, हाँ, ये अभी फिलहाल सेल के लिए नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ स्लिट्स है जो कि मेरे को आगे वर्किंग के लिए काम में आने वाले हैं। उनका एक बार मैं रिजल्ट चेक करके, अगर मेरे को जो दिल को चाहिए रिजल्ट हुआ, अगर हाँ तो मैं रखने वाला हूँ, अगर मेरे को लगा कि ये मेरे काम करनी है तो मैं तब चेक कर लूँगा। ओके, तो अभी और भी बर्ड्स सर? अच्छा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकटेल का ब्रीडिंग सेटअप है। और यहाँ पे मेरे पास बटरफ्लाई है, पाइड है, रिपाइड है, सैडल ग्रास है और मिस मार्किंग सैडल ग्रास है,
और स्पेशल के जो फीमेल्स होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। ये सब कॉमन मिक्स में रखा हुआ है मैंने और सब सिंगल सिंगल के सिस्टम में मैं ब्रीड करता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, ज़्यादा करके बर्ड्स जो है अपने बॉक्सेस में है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं। जितने पॉसिबल है उतने दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरा वर्किंग का पेयर है, उसमें से अभी मैंने न्यू ब्लड लाइन स्टार्ट किया वर्किंग करने के लिए। अपना पाइनएप्पल पनीर में रेडाइस जो कि मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा मशीन में, वो फर्स्ट टाइम मैंने निकालने की कोशिश की और सक्सेसफुली निकाला भी है। ओके, तो अभी आपने ऊपर की एवरी भी देखी, वही मेरा फ्रेंड के बर्ड्स भी देखे। तो अभी आपको सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा, मेरा फिश का सेटअप भी है, यानी कि फिश मैं ब्रीड नहीं करता हूँ, ब्रीडिंग मैंने बंद कर दी है, लेकिन सेलिंग चालू है अभी भी। तो आपके पीछे यहाँ पे है शॉप मेरा, तो आपको जो भी फिशेज चाहिए, जो भी बर्ड्स चाहिए, ऑन डिमांड मंगा के दूंगा। अगर आपको मार्मोसेट मंकी चाहिए, इगुआना चाहिए, बॉल पाइथन चाहिए, तो वो भी सब वैरायटी, जितने भी एक्जॉटिक बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो कि इंडिया में लीगल है, वो सब बर्ड्स मैं आपको मंगा ही दूंगा, और सब एनिमल्स मंगा के दूंगा। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है, आप मेरे को इलीगल बर्ड्स या इलीगल एनिमल के लिए कॉन्टेक्ट ना करें। जैसे कि इलीगल यानी कि अलेक्जेंड्रियन पैरट, रिंगनेक पैरट, या फिर अपना इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, या फिर जिसको दोमो का सांप मांडू बोलते हैं, वो वैरायटीज़ के लिए मेरे को प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करिए। बाकी सब जो भी लीगल वैरायटीज़ मैं आपको मंगा के दे सकता हूँ। अभी जो अपने पास फिशेज है, कौन से फिशेज अवेलेबल है आज? अभी सर मेरे पास आज के स्टॉक में, हाँ फिलहाल तो सिर्फ तो कॉमन फिशेज अवेलेबल है, गोल्ड हो गया, आइए ना, गोल्ड फिर कलर्ड विडोडेट्रा, फिर रेड पॉलिसा, शार्क, मलावी सिगलेट, गप्पी, फिर मॉली, कोई भी छोटा साइज है। ओके, फिर फाइटर के मेल अवेलेबल है। ओके, मेल में मेरे पास क्राउन टेल है, फुल मून है, नीमो कैंडी है, नीमो कैंडी पर प्लाकार्ड वैरायटी है। वो कितना रहता है, कितने साल तक रह सकते हैं? अभी गूगल तो बोलता है कि 5 साल 6 साल, मेरे पास 8 साल। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कलरफुल फाइटर फिश मिल जाएंगे, सभी वैरायटीज के भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर गुरामीज है, यहाँ पर एंजल है, एंजल की साइज भी अच्छी है, ऑस्कर, बॉडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। तो बिग साइज में यहाँ पर आपको एंजल देखने को मिल जाएंगे, विडो टेट्रास। तो ऑलमोस्ट सर का जो है 90% स्टॉक जो है ना ख़त्म हो चुका है। सर जी, यहाँ पर क्या क्या है? ये मेरा मॉन्स्टर फिश का सेक्शन है, यहाँ पे फिल्म 1 पीस है, फिर जापनीज कोई है, और शार्क है बड़े साइज में, और एक प्लांटेशन का छोटा सा सेटअप है जहाँ पे मैं प्लांट्स वगैरह ग्रो करता हूँ। ओके, और इम्पोर्टेड ऑस्कर में 6 पीस अवेलेबल है, और जो कि एक्सोटिक वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत अच्छी तरीके से प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। सर, इसमें फिशेज भी है क्या? हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, इसमें 6 मेल 6 फीमेल है। ओके, बीटा फिशेज के। हाँ, यस, दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फिश है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मॉन्स्टर फिशेज भी अवेलेबल है, बड़े साइज़ के। यहाँ पर कोई शार्क, वाइट कलर का और ब्लैक कलर का दोनों दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑस्कर्स है, देखिए कितने एक्टिव है, हमको देखते ही आ रहे हैं ऊपर। रोज रेड ऑस्कर है ये। यहाँ पर क्वीज है। सर, ये कौन सा फिश है? ये फ्लोरन में फीमेल है। ओके, फीमेल फ्लोरन है ये, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, एक बीटा फिश देखिए कितना सुंदर है, समुराई। समुराई
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्लोटिंग प्लांट्स भी मिल जाएंगे सर के पास। सर अपने पास कम से कम कितने रुपए की मछली आती है मिनिमम? 10 रुपए। और मैक्सिमम? मैक्सिमम अभी सबने बड़ी जो मैंने सेल की थी वो पिछले साल सेल की थी, वो 1,98,000 को सेल की। और कौन सा फिश था? अरवाना। साइज क्या था सर उस फिश का? उसका 12 इंच या 16 इंच के आसपास होगा, मतलब 16 इंच तो नहीं था, 12-13 इंच के आसपास था। ओके, कलर क्या था? रेड चिली अरवाना। क्या बात, वो रेयरली देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको शॉप पे विजिट करना है तो यहाँ पर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये मैंगो है, हीरो है अपने शॉप का। डांस तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।